हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, जी हाँ, यूपी ट्रिपलसी वीडियो डीडी। इस समय की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी ट्रिपलसी द्वारा वीडियो डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि लगभग वो नौकरी पा चुके हैं, सिर्फ डीवी के बाद उनकी ज्वाइनिंग रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बुरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से। जी हाँ, रद्द होगी वीडियो डीवी की परीक्षा। क्या रद्द हो जाएगी? वास्तव में वीडियो की परीक्षा जो 2018 दिसंबर में संपन्न हुई थी, जी हाँ, कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। जी हाँ, अभी तक वीडियो में सिर्फ 400 अभ्यर्थियों की जांच पर चल रही थी, 399 अभ्यर्थियों की, जिनका कि डॉक्यूमेंट सही नहीं था, यानी कि जिनकी ओएमआर सीट मैच नहीं कर पा रही। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस पे एसआईटी जांच की गठन कर दिया गया है। जी हाँ, वीडियो टीवी में धांधली के मंत्री ने आरोप लगाए थे, अब उस पर एसआईटी जांच गठित की गई है, वीडियो डीवी पर रोक लग गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलिए हम आपको दिखा देते हैं वीडियो डीवी संबंधित सबसे बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं पूरी खबर। तो यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं, ग्राम विकास प्राधिकारी परीक्षा उम्मीदवारों की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जी हाँ, हजारों उम्मीदवार कई बार इन मामलों को लेकर ट्विटर पे ट्वीट कर चुके हैं। हमने आयोग के सचिव से इस पर बात की। यूपी ट्रिपलसी के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने नव भारत टाइम्स को बताया कि कोरोना के कारण वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिसके कारण भर्ती पूरी नहीं हो सकी। अब सरकार ने वीडियो की भर्ती की जांच एसआईटी को सौंप दी है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी खबर, अब सरकार ने वीडियो भर्ती की जांच एसआईटी को सौंप दी है। ऐसे में इस भर्ती का क्या होगा, इसको लेकर आयोग की मीटिंग के बाद ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी ट्रिपलसी के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि यूपी ट्रिपलसी वीडियो की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। चलिए देख लेते हैं आगे भी और खबर है इससे संबंधित। चलिए देखते हैं, देखिए आगे की खबर, वीडियो भर्ती की एसआईटी जांच होगी। जी हाँ, एसटीएफ अब इसकी जांच करेगी। वीडियो के 1953 पदों पर हुई भर्तियों की जांच को सरकार ने एसआईटी को सौंप दिया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह ने इस भर्ती पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि आप सभी को कि आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को जारी किया था, जिसकी परीक्षा 22-23 दिसंबर 2018 को संपन्न कराई गई थी। रिजल्ट आए 9 महीने हो गए, लेकिन आयोग शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाया है। उम्मीदवारों ने नव भारत टाइम्स को बताया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो की भर्ती मई 2018 में निकाली गई थी। 2 साल पूरा हो गया अब तक यह भर्ती नहीं पूरी हो सकी है। जी हाँ, 2 साल से अधिक का समय हो गया ये भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। अगस्त 2019 में रिजल्ट आने के बाद से उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने एक के बाद एक कई कैलेंडर जारी किए और हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख आगे बढ़ती जा रही थी। फाइनली जो है मार्च से डीवी शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टाल दी गई थी। अब जो खबर आ रही है कि जी हाँ, एसआईटी की जांच की जा रही है, इस पर हो सकता है कि अगर ये वो सारे 400 अभ्यर्थी जिन पे अभी जांच बैठी है, अगर उन सभी का धांधले भर्ती पकड़ी गई, यानी किसी भर्ती में 10% से अधिक धांधली होती है, तो वो भर्ती प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर 2000 भर्ती में 200 अभ्यर्थी भी ऐसे बाहर होते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि भर्ती में धांधली बड़े स्तर पे हुई है। अगर ये 400 अभ्यर्थी में से काफ़ी अभ्यर्थी भी बाहर हो जाते हैं, 200 भी, तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्ञान प्लस द्वारा आपको दी जा रही है।
है कि वीडियो के डीवी जो है अभी नहीं होगी और हो सकता है कि परीक्षा को रद्द किया जा सके। अगर SIT की जान में कुछ ऐसा पाया गया तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो नौकरी अभी तक फिक्स थी अब वो दांव पे लग गई है। तो ये रही अपडेट, जल्दी हम आपके इससे संबंधित आयोग से सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो में।